रजिस्ट्री दफ्तर से एसपी ऑफिस तक कुनबे का हाई प्रोफाइल ड्रामा। जमीन की रजिस्ट्री करने गए ससुर व खरीदार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर मुख्यालय में एक कुनबे ने जमकर हंगामा किया। रजिस्ट्री दफ्तर से एसपी ऑफिस तक कुनबे का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। दरअसल मंझनपुर तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में बहू और बेटों को बगैर बताए ससुर गांव के ही एक व्यक्ति को जमीन का बैनामा करने आया था। इस बात की भनक बहू और बेटों को हुई तो वह रजिस्ट्री दफ्तर आ गए। बहू और बेटों ने ससुर ज्ञान सिंह निवासी गोहानी व खरीदार को पकड़ लिया। इसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर ही बहू और बेटों ने ज्ञान सिंह को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बाइक में बैठे खरीदार को भी पकड़ लिया। बहू और बेटों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर अचानक मारपीट होते देख लोग सहम गए। वहीं कुछ लोग मारपीट का लाइव विजुअल भी बनाने में जुट गए। किसी ने मारपीट की जानकारी मंझनपुर कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस सभी को थाना चलते की बात कह रही थी, लेकिन महिलाएं एसपी से मिलने की बात कहकर पैदल ही ससुर व खरीदार का कॉलर पकड़कर चल दिए। बहू और बेटों ने रजिस्ट्री ऑफिस से एसपी दफ्तर तक जमकर हंगामा किया। उधर तमाशबीन बने लोग घटना को मोबाइल में कैद करते नजर आए। एसपी दफ्तर पहुंचकर बहू और बेटों ने अपर पुलिस अधीक्षक को बताया कि ज्ञान सिंह नशे का आदी है। वह हम लोगों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता है, बल्कि जो भी ज्ञान सिंह को शराब व गांजा पिला देता है वह ऐसे लोगों को जमीन बेच देता है। मारपीट में ज्ञान सिंह व खरीदार को चोटें लगी। एएसपी समर बहादुर सिंह ने मंझनपुर कोतवाल को मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन के आदेश दे दिए हैं। एक प्रकरण अभी मंझनपुर में प्रकाश में आया है। एक लड़का है जिसका कहना है कि मेरे पिताजी से मेरे बड़े पिताजी के लोग मेरे बड़े पिताजी जमीनें लिखवा ले रहे हैं, उसी बात को लेकर इनमें मारपीट हुई है। दोनों पक्षों को थाने भेजा गया है, जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर वहाँ एक दरोगा जी थे जिन्होंने 2579 में समझा मारपीट हो रही थी और छोड़ के चले गए। इस बात की भी जांच हो जाएगी, अगर ऐसी गलती उन्होंने की है तो उनके कार्रवाई।